पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हुई है। एमपी पुलिस ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया। सतना में टेरर फंडिंग रैकेट का पर्दाफाश किया गया। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 संदिग्धों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल से 17 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, जिससे ये लोग हमेशा बातचीत करते थे। इसके अलावा पुलिस को आरोपियों के बैंक अकाउंट डिटेल मिले हैं, जिसमें फंड का ट्रांसफर हुआ था। देखिए, हम लोगों को कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो देश के विरुद्ध में हैं। तो उसके तात्पर्य में हमें सतना पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया और कुछ बदमाशों को उठाए थे। उसी समय हमने डीजीपी साहब को और एटीएस को भी सूचना दी थी और एटीएस के टीम भी आए और हमारे संयुक्त कार्रवाई में करीब 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एटीएस ने यहाँ पे 0 पे FIR करके उनको गिरफ्तारी करके 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। 2 लोगों को और पूछताछ करने की ज़रूरत है। तो 5 लोगों को एटीएस अपने हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई अभी कर रहा है। इनके हाथों से कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं जिसमें सोशल नेटवर्किंग ऐप्स जो है व्हाट्सएप, IMO वगैरह इंस्टॉल किए हुए थे और बहुत सारे बाहर की नंबर, करीब 17 पाकिस्तान के नंबर से भी उनकी बातचीत लगातार हो रहे हैं। ऑडियो वीडियो क्लिप्स भी शेयर कर रहे थे और बैंक डिटेल्स जहाँ पे भारी मात्रा में ट्रांजैक्शंस हुआ है उसकी भी डिटेल्स वो आपस में शेयर कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों के माने तो ये लोग पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात करते थे, फिर बैंक खातों में पैसे जमा कराकर उसे आतंकियों तक पहुंचाते थे। बताया जा रहा है आरोपी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से जुड़े संदिग्ध लोगों को बैंक खातों और हवाला के जरिए कमीशन बेस पर पैसे ट्रांसफर किया करते थे। और पूरी नेटवर्क जो है, जो सतना के आरोपियों को हमने पकड़ा है, उसके अलावा अपने राज्य में कुछ अलग जिलों में भी कुछ लोगों का नाम आया है और यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे राज्यों का भी कुछ लोगों का नाम आया है, जिसके अभी आगे ATS जो है पूरा डिटेल में विवेचना करेंगे। ये पहले सतना में 2017 में एक बलराम करके व्यक्ति जो कोटक थाना क्षेत्र का रहने वाला है, पूर्व में ऐसे ही एक केस में गिरफ्तार हो गए थे। उस समय कुछ आतंकवादियों से रिलेटेड एक मैटर में पुलिस जब ATS जब जाँच कर रहे थे, उनका नाम आया था सामने, तो उस समय इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, जमानत पर थे। उनको दोबारा पुलिस ने हिरासत में लिया है और एक सुनील सिंह है जो रामपुर बंगान के रहने वाला है, उनके हाथ से भारी मात्रा में जो मोबाइल मिले हैं उससे भारी मात्रा में ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स मिले हैं। एक शुभम तिवारी है जो पूर्व में भी कुछ वारदातों में, लूट जैसी वारदातों में भी और कुछ मारपीट के वारदातों में यहाँ के पुलिस ने बहुत बंद किया है, उस आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 3 मुख्य आरोपी जिसकी गिरफ्तारी ATS ने की है, बाकी 2 लोगों की और बाकी डिटेल्स में अभी हम लोग खुलासा नहीं कर सकते, उसका आगे की जांच जारी है, डिटेल जारी है। गिरोह के सरगना का नाम बलराम बताया जा रहा है। वो पहले भी इसी मामले में गिरफ्तार था, लेकिन 8 महीने पहले वो जमानत पर बाहर आ गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है इस मामले में अभी और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट।